आप सबका आपके चैनल सेल्फ हेल्प में स्वागत है। हमने इससे पहले प्रश्नावली 12.1 व्रत के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 कुछ प्रमेय और उसके सवाल। अपनी पहली प्रमेय है कि एक व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। देखिए जैसे कि मैं एक व्रत बनाता है, ये व्रत बना लिया, ये इसका केंद्र है, ये जीवाएं हैं आपकी, क्या दो जीवाएं हैं, ये ए बी है और ये सी डी। दिया आपने को है, दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है दोस्तों, ये जीवाएं दोनों बराबर है और सिद्ध करना आपने को ये इसका केंद्र वो है। यहां हम क्या करते हैं, रचना में इनको इस प्रकार से मिला देते हैं, ठीक है ना। सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी ये बराबर सिद्ध हमें करना है। अब देखिए उत्पत्ति में हम क्या करते हैं, यहां पर दो त्रिभुज बनते हैं अपने पास, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, ये त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज इस प्रकार से त्रिभुज का निशान है ये अपना, जो दो त्रिभुज बन गए ए ओ बी सी ओ डी, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इनको अगर सर्वान सम्मिलित कर देंगे तो इनके संगत कोण क्या हो गए, संगत भाग या संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम इन दोनों त्रिभुज की बात करें, अपने यहां पर देखिए ओ ए बराबर ओ डी और ओ बी बराबर ओ सी, ये आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त की त्रिज्या होने के कारण ये आपस में बराबर हो गई। अब अपने को पास क्या है, अपने पास क्या है, ए बी बराबर सी डी, ये अपने को पहले से दिया हुआ है, ठीक है ना। अब अपने पास इससे देखिए, अपने पास एस 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 सर्वांग समता से हम यहां पे सर्वांग समता नियम से हम लिख सकते हैं यहां पे कि त्रिभुज आपका एओबी, ये सर्वांग समता का चिन्ह है, त्रिभुज सीओडी, इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो संगत कोण है आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये इंप्लाई करेगा अपने पास कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी इति सिद्धम, ये अपना सिद्ध हो गया, यही अपने को सिद्ध करना था, वो अपने पास आ गया। हाँ तो दोस्तों अपनी अगली प्रमेय जो है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। जैसे हम एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त बन गया, ये इसका केंद्र वो है, दो जीवाएं आपकी इस प्रकार से दी हुई है, यहां पर हम इनको इस प्रकार से मिला देते हैं, ठीक है दोस्तों। अपने पास यहां पर दिया हुआ है कि कौन ए ओ बी बराबर कौन सी ओ डी, ये आपको कह रहा है युवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर, ये अंतरित कोण है, ये आपस में बराबर है। सिद्ध करना अपने को, सिद्ध करना है कि आपकी जो भुजा है, जीवा जो ए बी है बराबर सी डी, ये जो आपका ए बी और सी डी आपस में बराबर है। हम उत्पत्ति में इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ में अपने पास क्या होगा, देखिए हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ बी एंड त्रिभुज सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी दो त्रिभुज की बात करें, दोनों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। अब इसमें क्या देखिए, आपके पास ओ ए बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ सी, ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है दोस्तों,
ये एक युग्म की त्रिज्या है, इसलिए आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब अपने पास यहां पर दे रखा है कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, यानी कि ये दोनों कोण आपने को क्या पहले से दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास जो है ये आपके पास एस ए एस दो भुजा एक कोण सर्वांग समता नियम से हम लिख सकते हैं यहां पे कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के, और ये अपने को बताएगा, ये इंप्लाई करेगा कि दो त्रिभुज जब सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए हम यहां लिखेंगे आपका ए बी जीवा ए बी बराबर जीवा आपका सी डी, और सिंपली इसको हम ए बी बराबर सी डी भी लिख सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अपनी अगली प्रमेय है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम द्विभाजित करता है, सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजित यानी भाग, यानी दो समान भागों में विभाजित करता है। जैसे कि मैं यहाँ एक वृत्त बना देता हूं, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है और ये जीवा ए बी है। ठीक है ना, ये ओ केंद्र से हम जीवा के ऊपर लंब डालते हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई, और हम क्या करते हैं इनको इस प्रकार ए ओ को ए से ओ को बी से मिला देते हैं, और इस प्रकार हमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है लंब है ना। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यानी कि कोण ए, यहां हम एम लिख देते हैं। ठीक है, तो अपने पास कोण ए एम ओ बराबर 90 डिग्री, और कोण बी एम ओ बराबर भी 90 डिग्री, ये दोनों दिए हुए हैं, और सिद्ध करना है कि ए एम बराबर बी एम। ठीक है दोस्तों, ये दोनों भुजाएं ये वाले और ये वाले भाग आपको बराबर सिद्ध करना है। उपपत्ति में हम क्या लेते हैं, अपने पास दो त्रिभुज आपके पास ए एम ओ एंड त्रिभुज बी एम ओ, दो त्रिभुज हो गए अपने पास। ठीक है ना दोस्तों, अब इन दोनों त्रिभुज के अंदर देखिए अपने पास ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए आपस में क्या हो गया, बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास देखिए OM जो क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि ये भुजा जो इस वाले त्रिभुज में भी काम आ रही है और ये भुजा इस त्रिभुज में भी काम आ रही है, जो दोनों जगह काम आती है उसको हम उभयनिष्ठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास दो भुजाएं होगी। अब तीसरा आपके पास एक कोण दे रखा है, कोण AMO बराबर कोण BMO बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब ये ऐसे भुजा सर्वांग समता का नियम है, वो उसी की विशिष्ट अवस्था है, अगर उसमें आपका कोण 90 डिग्री हो जाता है, कोण आपका 90 डिग्री हो जाता है, तब हम यहाँ पे लिखते हैं RHS द्वारा, क्या लिखते हैं साथियों, RHS द्वारा RHS सर्वांग समता, नियम से हम यहां लिखते हैं त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम ओ के। ठीक है, इससे हम इसके संगत भाग आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इनके संगत भाग जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर है, ये इंप्लाई करेगा ए एम बराबर बी एम। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिद्ध हो गया कि ये दो जो केंद्र से जीवा पर लंब डाला है वो लंब जीवा को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। ये प्रमेय है
किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अब जैसे हम एक वृत्त बना लेते हैं, यहाँ पे ये वृत्त बन गया अपना, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये आपकी जीवा ए बी है, केंद्र ओ है, ठीक है ना दोस्तों। ये कहता है कि जीवा का मध्य बिंदु, जैसे यहां पर एम ये आपका मध्य बिंदु है, इसको केंद्र से मिलाने वाली रेखा है, ये ओ एम है, ए एम बराबर बी एम, यानी कि एम है जो क्या है ए बी का मध्य बिंदु, इसके दोनों ही बराबर होगी। सिद्ध करना है कि ओ एम लंब है आपकी ए बी के ऊपर, ठीक है दोस्तों। और बहुत सारे इसको इस प्रकार से भी ले देते हैं, यहाँ ओ ए को मिला दिया, ओ बी को मिला दिया, और वो कह देते हैं कि आप कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, ये आप सिद्ध कीजिए। इसका मतलब भी यही है कि ओ एम जो लंब है ए बी के ऊपर। अब हम उत्पत्ति में लेते हैं, त्रिभुज ओ एम ए एंड त्रिभुज ओ एम बी, ठीक है दोस्तों। यहां पे अपने पास क्या है, देखिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अपने पास ए एम बराबर आपका बी एम दिया है और ओ एम जो आपका क्या है उभयनिष्ठ है, क्या है दोस्तों उभयनिष्ठ किसे कहते हैं, जो दोनों त्रिभुज हमारे इधर भी और इधर भी, ये त्रिभुज है इसलिए इसमें ये भुजा ओ एम आपकी उभयनिष्ठ होगी। देखिए अपने पास एक दो तीन भुजाएं आ गई, इसके हिसाब से आप यहां लिख सकते हैं कि एस 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 भुजा 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 या साइड 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 सर्वांग समता नियम से हम यहां पे लिखेंगे कि त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एम बी के, ठीक है ना। ये इंप्लाई करेगा कि इसके जो संगत कोण है अपने पास, कोण आपका ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, ठीक है दोस्तों। ये दोनों कोण ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। अब ये ए बी क्या है, एक सरल रेखा है, ए एम बी एक सरल रेखा है, जीवा जो क्या है सरल रेखा है अपने, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास यहां पे क्या है, ये रेखिक कोण युग्म बनता है, क्या बनता है, कोण ओ एम ए प्लस कोण ओ एम बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इसको हम एक नाम लेते हैं, एक से इसे देखते हैं दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है, तो हम दोनों जगह क्या लिखते हैं ओ एम ए प्लस ओ एम ए बराबर 180 और कोण दो ओ एम ए बराबर 180 और कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर आपके क्या है 180 बटा दो बराबर 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। कोण ए ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे देखिए कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर आपके पास 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब यह है कि ओ एम जो है आपकी लंब है ए बी के ऊपर, ये इति सिद्धम। दोस्तों अपनी अगली प्रमेय वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से सम दूरस्थ होती है, ये आपकी देर किया हुआ है कि यहां पर
दिया हुआ है कि जीवा ए बी बराबर सी डी, दोनों जीवाएं बराबर। तो हम यहाँ पे ये ओ केंद्र, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लंब डालते हैं और उसी प्रकार इधर भी एक लंब डाल देते हैं, ठीक है ना। इधर हम एम लिख देते हैं, इधर हम एन लिख देते हैं। इसको हम यहाँ बी से मिलाएंगे, इधर डी से मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमें दिया हुआ तो दो जीवाएं बराबर दे रही है और सिद्ध करना है कि आपका ओ एन बराबर ओ एम, यानी जीवा जो है आपकी समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, ये हमें सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति में हम देखते हैं, यहां पर अपने पास पहले देखिए, हम यहां पे लिखते हैं, देखिए ए एम बराबर बी एम बराबर एक बटा दो ए बी, और इसी प्रकार हम यहां लिखते हैं सी एन बराबर डी एन बराबर एक बटा दो आपका सी डी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हमने इसी में वीडियो में अपने पिछले भाग में पढ़ा था, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अपने पास देखिए दो त्रिभुज बन जाते हैं, क्या बनते हैं साथियों, दो त्रिभुज। दोनों त्रिभुज में हम यहां से देख लिए, ये अपने पास इस हिसाब से हम लिख देंगे यहां पे बी एम बराबर आपका डी एम, ये एक हो गया। और त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ओ एम बी एंड त्रिभुज ओ एन डी, इन दोनों के अंदर आपका ओ डी बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये बराबर है आपकी। और हमने अभी सिद्ध किया है बी एम बराबर डी एम किसे, एक से, ये एक हमने यहां पे सिद्ध कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब आपका जो है ये कोण दे रखा है, देखिए एक केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित, ये लंब है आपका, क्या है दोस्तों, ये लंब है, उसी प्रकार ये भी लंब है। हम यहां पे लिखेंगे कोण ओ एन बी बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये आपके पास कोण ओ एम बी ओ एन डी दोनों ही 90, क्योंकि ये लंब है इसलिए हमने यहां पे 90 डिग्री लिखा। तो आर एच एस सर्वांग समता से, सर्वता नियम से हम यहां लिख सकते हैं त्रिभुज आपके ओ एम बी सर्वांग समय त्रिभुज ओ एन डी के, ठीक है ना। और ये इंप्लाइज करेगा आपका, देखिए दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज और दूसरा वाला ये त्रिभुज, क्या हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए। सर्वांगसम से हम क्या लिखते हैं, इनके संगत भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे ओ एन बराबर ओ एम एच एफ, ठीक है, हेंस प्रूव या इति सिद्धम। दोस्तों अपना जो अगला प्रमेय है कि किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है तो वह परस्पर बराबर होती है, यानी कि अपने को दे रखा है ये आपका केंद्र है और यहां से दोनों तरफ लंब डाल रखा है, ये एम है ये एन है, ये ए बी जीवा है और ये सी डी जीवा है, ठीक है ना। आपका दिया हुआ इसके अंदर दिया हुआ है कि आपका केंद्र से समान दूरी पर, यानी कि ओ एन बराबर ओ एम, ये दूरी आपकी यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक की दूरी बराबर दे रखी है,
सिद्ध करना अपने को, जो जीवा ए बी है बराबर सी डी, ये जीवा ए बी जो सी डी के बराबर है। अब उत्पत्ति हम रचना करेंगे, रचना में हम क्या करते हैं, इस ओ को बी व डी से मिलाएंगे, ठीक है ना, इसको हम यहां से मिला देते हैं इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुज ओ एम बी एंड त्रिभुज ओ एंड डी बन गया। एक त्रिभुज तो ये वाला और दूसरा त्रिभुज ये वाला बन गया अपने पास, ठीक है। ये यहां पे 90 डिग्री है क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पे जो रेखा खींची जाती है या मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो होती है जीवा पे लंब होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए अपने पास दो त्रिभुज हो गए, इन दोनों त्रिभुजों की हम बात करें तो अपने पास देखिए एम बी या ओ बी लेते हैं, ओ बी बराबर ओ डी, ये वृत्त की त्रिज्या ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए क्या है बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या इसलिए आपस में बराबर होगी। और ओ एन बराबर ओ एम ये अपने को दिया हुआ है, दिया है पहले से, ये आपका ओ एम ओ एन पहले से दे रखा है। और यहां पर कोण आपका ओ एम बी बराबर कोण ओ एन डी आपका ये वाला कोण, ठीक है ना, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डालते ना, या जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा इसके ऊपर लंब होती है, इसलिए हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये आपका बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। इसके बाद अपने पास क्या है, त्रिभुज आर एच एस नियम से, किस नियम से, आर एच एस सर्वांग समता नियम से हम लिखते हैं त्रिभुज आपका जो ओ एम बी, ओ एम बी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एम डी के, ठीक है। ये इंप्लाइज करेगा आपका एम बी इज इक्वल टू एन डी, ठीक है दोस्त, एम बी इज इक्वल टू एन डी, बी इज इक्वल टू एन डी, ये इंप्लाइज करेगा एम बी का मतलब ये है आपका ए बी और ये आपका सी डी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो साथियों अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छी तरह समझ में आया, तो आप एक लाइक का बटन भी दिया, लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको कितनी अच्छा समझ में आया या आपको क्या चीजें मेरी बताई हुई अच्छी लगी, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।